जिन्हें मिला अपनी एक्टिंग के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार, जिनके बातों से दिखते हैं उनके अमेजिंग संस्कार, जिनका शो बच्चों से लेकर बड़े तक देखते हैं, जो अपने नाम से कम बल्कि अपने किरदार से ज़्यादा जाने जाते हैं। तो चलिए आप सभी के फेवरेट 5 feet 7 inch वाले द वेरी हार्ड वर्किंग मोस्ट टैलेंटेड एक्स्ट्राऑर्डिनरी स्टूडेंट एंड वन ऑफ द यंगेस्ट एक्टर देव जोशी की इंस्पायरिंग लाइफ स्टोरी जानते हैं। देव जोशी का पूरा नाम देव दुष्यंत कुमार जोशी है, लेकिन इन्हें प्यार से सब देव, डीजे और मोस्ट ऑफ द पीपल इन्हें बालवीर कह के बुलाते हैं। इनका जन्म 28 नवंबर 2000 को महसाना गुजरात के गुजराती फैमिली में हुआ। ये अपने पेरेंट्स के सिंगल चाइल्ड हैं। जब ये 3 साल के हुए तो इनके पेरेंट्स ने सोचा कि देव पढ़ाई के अलावा कुछ और भी करें, तो उन्होंने डांस क्लास में इनका नाम लिखवा दिया और देव को डांस करना बहुत अच्छा लगने लगा। इनके पापा की उस टाइम सैलरी मात्र 6,000 रुपये थी, जिसकी वजह से इन्हें लोगों के ताने सुनने पड़ते थे कि खाने के तो वांदे पड़े हैं और चले बच्चों के शौक पूरा करने। लेकिन इनके पेरेंट्स की सोच बिल्कुल भी अलग थी। उनका मानना था कि बच्चे ही हमारी असली इन्वेस्टमेंट होते हैं। अगर बच्चों को किसी चीज़ में इंटरेस्ट है तो उसे बढ़ावा देना चाहिए, ना कि अपने परेशानियों के कारण अपने बच्चों के सपने के आड़े आना चाहिए। और देव जोशी आज जो भी हैं, उसका सारा का सारा क्रेडिट सिर्फ और सिर्फ अपने पेरेंट्स को देते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि मैं जो भी हूँ आज अपने पेरेंट्स की वजह से हूँ, क्योंकि वो सोसाइटी के अगेंस्ट जाकर अपने विश्वास पर अड़े रहे और खड़े रहे। अगर देव की एक्टिंग करियर की बात करें तो इन्होंने पहले स्टेज शो किया, फिर मॉडलिंग की, फिर एड फिल्म्स की और फिर टीवी सीरियल करने लगे। इन्होंने कई गुजराती एड फिल्म्स और फिल्म्स भी किए हैं। वहाँ इन्हें स्टेट गवर्नमेंट की तरफ से बेस्ट चाइल्ड एक्टर का अवार्ड भी मिला है। 8 साल की उम्र में इनके मम्मी पापा इन्हें बॉम्बे लेकर आए। फिर इन्हें कुछ महीने बाद सिल्क शाइन हेयर केयर का एड मिला, जो कैटरीना कैफ के साथ था। फिर हमारी देवरानी, महिमा सनी देव की, महादेव जैसे सीरियल की। फिर इन्हें 2012 में बालवीर शो मिला, जिसने इनकी ज़िंदगी ही बदल कर रख दी। ये शो 4 साल तक चला और हमेशा गूगल ट्रेंड के टॉप 10 में रहा। और बालवीर के किरदार से बच्चों को तो अपना दीवाना बनाया ही, बल्कि बड़ों का भी फेवरेट शो रहा है। टीवी पर जितने भी शो आते हैं, सिर्फ इनके शो और देव को ही सम्मानित किया गया है। और पब्लिक डिमांड पर फिर एक बार बालवीर रिटर्न्स आ चुका है, जो लोगों को बहुत पसंद आ रहा है। देव की सबसे खास बात तो ये है कि अपना हर टेक सिर्फ एक टेक में देना पसंद करते हैं, और ये अपने इंस्पिरेशन अमिताभ बच्चन को मानते हैं और इनकी फेवरेट हीरोइन काजोल हैं। देव अपने दिन की शुरुआत पूजा करके करते हैं, और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि जैसे बाकी सभी चाइल्ड एक्टर को फ़ोन उनके बचपन में मिल जाता है, लेकिन इनके पेरेंट्स ने इनको आफ्टर 12 दिया। और देव भी यही मानते हैं कि बच्चों को फ़ोन की कोई ज़रूरत नहीं होती है, और ना ही मैंने कभी अपने पेरेंट्स से मांगा और ना ही उन्होंने कभी दिया। देव की एक्स्ट्रा हॉबीज़ की बात की जाए तो इन्हें बुक स्टडी, पेंसिल स्केच, ड्राइंग, फोटोग्राफी करना बहुत पसंद है। अगर इनके एजुकेशन की बात की जाए तो देव जितने ही फैंटास्टिक एक्टर हैं, उतने ही ब्रिलियंट वो स्टूडेंट हैं। ये अपने स्कूल में हमेशा टॉप 4 में रहे हैं। इन्होंने अपनी स्कूलिंग हीरामनी स्कूल अहमदाबाद से किया है। ये इस टाइम ग्रेजुएशन कर रहे हैं गुजराती यूनिवर्सिटी से। इनका सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस, और इन्होंने अपने कॉलेज के फर्स्ट ईयर ही टॉप किया है। और इनका फ्यूचर ड्रीम सक्सेसफुल बॉलीवुड एक्टर बनना तो है ही, लेकिन इनका एक बहुत प्यारा सपना है, इनको IAS ऑफिसर बनना है। आई विश देव आपका ये सपना जरूर से जरूर पूरा हो। इसी बात के साथ इस वीडियो को मैं यहीं करना चाहूँगी एंड। अगर आपको इनके बारे में कुछ और भी पता हो तो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को कर दीजिएगा एक लाइक, और हमारे चैनल पे आए हैं पहली बार तो चैनल कर लीजिएगा सब्सक्राइब, और उसके बगल के बेल आइकॉन पे ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा। बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।